क्या तालिबान को परमाणु हथियार मिल गए हैं? क्यों इस वक्त पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के दौरे पर गया, ये दावा पश्चिमी देशों की तरफ से किया गया है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी इस दौरे की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि इस तरीके से तालिबान और उत्तर कोरिया का साथ आना कोई सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य है। ऐसे में तालिबान ने इस दौरे को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब पश्चिमी देशों की तरफ से सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है। पूरी दुनिया को मालूम है किस तरीके से उत्तर कोरिया परमाणु तकनीक का आदान प्रदान करता है, तस्करी करता है। उसने पहले पाकिस्तान की मदद भी की है और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी मौजूद है। ऐसे में तालिबान जो कि अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करता है, लेकिन पूरी दुनिया तालिबान को मान्यता नहीं देती है। इसी वजह से तालिबान अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए उसने मदद ली है उत्तर कोरिया की। अब अमेरिका समेत पश्चिमी देश इस बात से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अगर तालिबान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। पूरी दुनिया के लिए ये बेहद घातक होने वाला है, क्योंकि इससे तालिबान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता रही तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी फले फूले, और फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना आती है, देश को छोड़ती है, अफगानिस्तान को छोड़ती है, तो बहुत ज्यादा हथियारों का जखीरा भी छोड़ा जाता है, जिस वजह से तालिबान के आतंकी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। समय समय पर यह बात भी सामने आती रही है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अब पाकिस्तान पर भी कब्जा कर सकता है या फिर एक हिस्से पर कब्जा कर सकता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो ये चिंता की बात है ही, पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता की बात है। और जब अमेरिका पर खतरा होगा, अमेरिका समेत तमाम मुल्कों पर खतरा होगा, तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से इस दौरे को किसी को नहीं बताया गया इस दौरे के बारे में, और एक तरीके से ये दौरा बिल्कुल गुप्त रखा गया, पर अब जब सवाल उठाए गए क्या वाकई जो उत्तर कोरिया गया था तालिबान का प्रतिनिधि मंडल, उसमें परमाणु हथियारों को लेकर के डील हुई है, क्या डील फाइनल हो चुकी है, क्या तालिबान को छोटे परमाणु हथियार मिलने वाले हैं, और अगर तालिबान को छोटे परमाणु हथियार मिलने वाले हैं तो तालिबान उसका क्या करेगा? अफगानिस्तान पर तो उसकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन क्या वो बाकी देशों के लिए भी खतरा होगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।